मशहूर निदेशक आशुतोष गोवारीकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनकी फिल्म पानीपत। फिल्म पानीपत में उन्होंने महाराज सूरजमल का किरदार जिस तरीके से पेश किया है उससे समाज के लोगों में खासा रोष है। उनके मुताबिक महाराजा सूरजमल के किरदार को तरोड़ मरोड़ कर इस फिल्म में पेश किया गया है। महाराजा सूरजमल को मानने वाले लोगों के मुताबिक ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि आशुतोष गोवारीकर ने किसी महान व्यक्ति की छवि को धूमिल किया है। इससे पूर्व फिल्म पद्मावत को लेकर भी खासा बवाल हुआ था। लोगों के मुताबिक इस फिल्म में जिस तरह से महाराजा सूरजमल का किरदार दिखाया गया है उसे तुरंत फिल्म से हटाया जाए, साथ ही सेंसर बोर्ड को भी कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी फिल्म निर्माता इस तरह की किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व से छेड़छाड़ न करे। इसी बात को लेकर मंगलवार को सूरजमल संस्था के लोगों ने गाजियाबाद जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही ये भी कहा कि अगर फिल्म निर्माता अपने फिल्म से महाराजा सूरजमल के किरदार को सही नहीं करते या नहीं हटाते तो उनका प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है, जो इतिहास में लिखा हुआ है वो सत्य दिखाएं, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ ना करें, जो उन्होंने किया है सिर्फ वो दिखाएं, इस तरह से उनकी चरित्र का हनन ना करें। और पहले भी ये प्रोड्यूसर फिल्म के माध्यम से काफी फिल्मों का चीरहरण कर चुके हैं, इससे पहले पद्मावत फिल्म में भी ऐसी हुआ था, काफी रोष हुआ। तो मैं तो कहता हूँ सेंसर बोर्ड को भी ध्यान देना चाहिए, जिस भी महापुरुष पे फिल्म बनाई जाए उसके परिवार को एक बार फिल्म जरूर दिखाई जाए और उनके साथ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ ना करी जाए, जो इतिहास में है वो ही दिखाए।